बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और बस कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। 27 एकड़ में बीएपीएस संस्था ने दरअसल ये मंदिर बनाया। ये मंदिर जो है भारत यूएई की संस्कृति की झलक भी इसमें नजर आएगी। तो करोड़ों की लागत से ये मंदिर वहां पर तैयार हुआ है, अबू धाबी में पहला मंदिर ये, और बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर आगमन होना है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जाहिर तौर पर आपके मन में कौतूहल होगा, आप इस मंदिर के बारे में जानना चाहते होंगे कि क्या खासियत है इसकी। मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। अबू धाबी के मंदिर को समझिए, जानिए। बीएपीएस एक संस्था है जिसने इसे तैयार किया है, इस मंदिर को। कितनी लागत है देखिए, 700 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए लागत। जमीन कितनी, 27 एकड़ जमीन पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। किसने दी जमीन, यूएई की सरकार ने दान में जमीन दी है। और मंदिर की खासियत क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, जयपुर का जो पिंक सैंड है स्टोन, उससे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जयपुर का पिंक सैंड स्टोन बहुत ही मशहूर होता है और इसी के जरिए इसका निर्माण कार्य हुआ। संगमरमर से हर स्तंभ पर राम सीता हनुमान और गणेश को उकेरा गया है, उनकी प्रतिमा को उकेरा गया है। मंदिर के बाहरी स्तंभों पर सीता स्वयंवर के दर्शन भी भक्तगण वहां पर कर पाएंगे। 7 मीनारों में भारत यूएई की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया, मंदिर में किसी धातु का उपयोग नहीं किया गया है, यानी मेटल से तैयार कोई भी चीज वहां पर नहीं रखी गई है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अबू धाबी से। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या तैयारी है वहां पर? अखिलेश, देखिए अद्भुत यहाँ का दृश्य है और ऐसा लग रहा है जैसे आस्था का जन सैलाब, जन समुद्र उमड़ पड़ा है। पहले आपको मैं इस मंदिर की तस्वीर दिखाता हूँ और उसके बाद ये देखिए, ये मंदिर है। थोड़ा सा रोशनी का, चूंकि सूरज सिर पे चमक रहा है, लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए देखिए क्या तांता लगा हुआ है। और ये जो ये इसमें वॉलंटियर्स भी है, जो दुबई अबू धाबी और बस जो खाड़ी देश हैं, इसके अलावा अलग अलग महाद्वीपों से लोग आए हुए हैं। ये उनकी तस्वीर है, एक लंबी लाइन लग गई है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे उद्घाटन के लिए, और उसके पहले जो यहाँ पर उत्साह है, यहाँ से आप देखिए तस्वीरें देखिए, ये एक तरफ से मैं चलता जाऊंगा और आपको ये लाइन दिखती जाएगी। जो लोग हैं कुछ कह रहे हैं कुंभ मेले में इतना है। ये कुंभ मेला लग रहा है, ऐसा ऑर्गेनाइज कुछ किया है। आपको लग रहा है कि अबू धाबी की जमीन पर कुंभ हो रहा है, ऑर्गेनाइज हुई है। और एक बात मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर, कि देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए अखिलेश, ये सारे लोग हैं जो 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 जिनका उत्साह जो है वो बता रहा है कि कितने समय से इंतजार कर रहे थे। चेहरे पे आपकी इतनी खुशी दिख रही मुझे। आपको ये उम्मीद थी कि एक इस्लामिक देश में इतना भव्य हिंदू मंदिर बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं थी, परंतु एक हमारे पवित्र संत में जो ताकत, उसके संकल्प शक्ति जो है, इसका ये उदाहरण है। प्रमुख स्वामी जो संस्था के प्रमुख रहे हैं, बीजेपी संस्था के, उन्होंने संकल्प किया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हाँ जी जरूर। अभिषेक, उसके इंतजार में हम खड़े हुए, इनके इंतजार में आप खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये समय चूंकि उद्घाटन का नजदीक आ रहा है अखिलेश, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए किस तरह से यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है उनकी। बिल्कुल अभिषेक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई है, आप देख रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक के पीछे, आपको भक्तगण वहाँ नजर आ रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।